हेलो नमस्ते, वेलकम जी वेलकम। आज हम बनाएंगे अपनी सबसे पहली रेसिपी मेरे चैनल पे, जो कि है दही तड़का। सबसे ईजीएस्ट रेसिपी है। सो सबसे पहले हम रखेंगे इसमें पैन और कढ़ाई, विच एवर सूट्स यू बेटर। उसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे ऑयल अपने अनुसार, चाहे जिसको कम पसंद है तो वो कम डाले, जिसको ज़्यादा पसंद है वो ज़्यादा डाले। उसके बाद हम यहाँ ज़ीरा डालेंगे ऑयल को गर्म होने के बाद, और उसके बाद इसमें हम डाल देंगे प्याज़ और इसको अच्छे से पकने देंगे। प्याज ज़्यादा नहीं पकानी, नहीं तो ज़्यादा ब्राउन हो जाएंगी, तो काली काली प्याज बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। उसके बाद हम डालेंगे हरी मिर्च। हरी मिर्च को आप अपने अनुसार डाल सकते हैं, जिसको हरी मिर्च खाना पसंद है वो हरी मिर्च डाल सकता है, जिसको नहीं पसंद वो अवॉइड कर सकता है। बट मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, तो इसलिए मैं हरी मिर्च हमेशा डालती हूँ। इससे एक्चुअली टेस्ट बहुत इन्हेंस हो जाता है, तो आप ट्राई कर सकते हैं, आप बिल्कुल डालें। एंड ये देखिए, उसके बाद ये पक रही है रेसिपी और इसको काफ़ी अच्छे तक देर तक पकने दें। उसके बाद इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालें, जिससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। ये एक्चुअली रेसिपी देखने में बिल्कुल कड़ी जैसी लगती है, बट इट इज़ नॉट कड़ी। टेस्ट भी बिल्कुल डिफरेंट है कड़ी से। कड़ी में बेसन मिलाए थे दही में, लेकिन ये सिंपल है, सबसे सिंपल। और इसके बाद हम डालेंगे यहाँ पे लाल मिर्च और धनिया का पाउडर और इसको अच्छे से सौटे कर लेंगे। उसके बाद डालेंगे इसमें हल्दी पाउडर और उसके बाद हम डालेंगे मैं इसमें हल्का सा गरम मसाला, जिससे टेस्ट थोड़ा सा इन्हेंस हो जाए। और उसको अच्छे से सौटे कर लेंगे। कुछ देर के लिए हम मसाले को पकने देंगे, उसे ब्लेंड होने देंगे एक दूसरे में, ताकि वो अच्छा सा फ्लेवर छोड़ दे और आपकी सब्ज़ी डिलीशियस बन जाए। इसके बाद हम दही डालेंगे एट द एंड। सबसे अच्छे से फेंट के डालेंगे इस दही को, ताकि कोई भी लंप ना रहे इसमें। दही का अच्छे से फेंट के डाल देंगे इसको और अच्छे से इसको घुमाते रहेंगे, क्योंकि अगर आप नहीं घुमाएंगे और तेज़ आंच पे कर देंगे तो ये फट जाएगी। सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ दैट। अच्छे से इसको चलाते रहें, जब तक ये अच्छे से पक ना जाए। चलाते रहिए और एट दी एंड जब ये अच्छे से पक जाए तो गैस बंद कर दीजिए, लेकिन ध्यान रहे धीमी आंच पे। गलती से मैंने गैस अपनी तेज़ कर दी, इस वजह से मेरी दही फट गई, बट डोंट वरी। दही अगर फट भी गई तो भी टेस्ट बढ़िया रहेगा। अब बारी है प्लेटिंग की। तो यहाँ मैंने राइस पहले से ही कुक करके रख लिए थे। उसके बाद गरम राइस के ऊपर मैंने अपनी ये दही तड़का को डाल दिया। ट्रस्ट मी गाइज, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है खाने के लिए तो दिस इज़ द बेस्ट विच यू कैन हैव विद द टेस्ट। मैंने पहली बार बनाई थी, मैंने भी इंस्टाग्राम वगैरह से देख के ही बनाई, तो मुझे लगा क्यों ना ये रेसिपी मैं आपके साथ भी शेयर करूं। आपको मैं 100% श्योर हूँ आपको बहुत पसंद आएगी, क्योंकि कढ़ी में थोड़ा सा हासिल होता है, उसको काफ़ी देर तक पकाना है। इसको पकाने की ज़रूरत नहीं है और आप इसको सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से चावल के साथ। सबसे सिंपलेस्ट रेसिपी है, कोई भी बना सकता है, बी इट अ मैन और वुमेन। सो एंजॉय योर फूड, बाय बाय।